हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर सुबह से बर्फबारी हो रही है। कई हिस्सों में वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से ठप हो गई है। प्रदेश में रविवार 3 नेशनल हाईवे सहित 434 सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई है। 1680 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से प्रदेश के कई क्षेत्रों में ब्लैक आउट हो गया है। राजधानी शिमला में भी सुबह से ही बर्फबारी हो रही है और कुफरी जाने वाले मार्ग बंद हो गए हैं। रिज पर भी बर्फबारी में पर्यटक मस्ती करते नजर आ रहे हैं। पर्यटक काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और सुबह ही पर्यटक रिज पर पहुंच गए। पर्यटकों का कहना है कि उनके दिल की मुराद पूरी हो गई। बर्फबारी की उम्मीद लेकर ही वे शिमला पहुंचे थे और यहां बर्फ देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा है और बर्फ के साथ वे मस्ती कर रहे हैं। 6 साल हो गए आज तक हमने ऐसी बर्फबारी नहीं देखी शिमला में। हमें फर्स्ट टाइम ऐसी स्नोफॉल मिली है और बता नहीं सकते कितनी हमें खुशी हो रही है। सबसे ज्यादा बच्चे ही इंजॉय कर पा रहे हैं। हमारे बच्चों की वजह से हम यहाँ पर आए हैं और हमें नहीं पता था इस बार हमें स्नोफॉल मिलेगी, बट एकदम से इतना मतलब अद्भुत वो हुआ है कि हमारे पास इतनी सारी स्नोफॉल आ गई है। बस ठंड का मत पूछिए, ठंड तो बहुत है, हाथ पैर पूरे सुन्न है, बहुत पड़ रही है, कल रात से पड़ रही है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। कल रात से यहाँ तब तो लगता था कि ऊपर धूप है, कुछ नहीं है बारिश, लेकिन रात 9 बजे 9:30 के करीब जब स्नो गिरनी शुरू हो गई तब से लेके कंटिन्यूसली गिरी रही है। थोड़ी टाइम ही रुकी है, जब फन हो रहा है यार, पूरा फन ऐसे बस 2 दिन आए तो कल रात के लिए थे, अभी आज भी रुकेंगे 2 दिन तो। हाँ,